सो गाइस, रिसेंटली मैंने ये आईफोन SE 2020 को मंगाया था, और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि इस आईफोन में हमें एक एप्पल का लेटेस्ट जो प्रोसेसर है A13 बायोनिक, वो वाला प्रोसेसर इसमें मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। प्लस इसका जो डिस्प्ले है वो बहुत छोटा है, तो ज़्यादा पिक्सल पुश नहीं करना पड़ेगा। दैट्स वाई इसका पबजी परफॉर्मेंस, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, दी बेस्ट होने वाला है अभी तक के जो भी स्मार्टफोन आए हैं इंडिया में। सो या उस चक्कर में मैंने सोचा कि चलो इसका टेस्ट करते हैं और देखते हैं इसमें पबजी किस तरह से चलता है। सो हे व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज ज़हीर एंड दिस इज द पबजी टेस्ट ऑफ आईफोन एसई विद बैटरी रेंज। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, स्टार्ट करते हैं हम लोग। थोड़ा सा मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो फोन है इसके अंदर हमें एप्पल का A13 बायोनिक चिपसेट मिलता है, और मैं एक स्टेटमेंट देना चाहता हूँ। स्टेटमेंट ये है कि ये फिलहाल वर्ल्ड का दी फास्टेस्ट स्मार्टफोन है व्हेन इट कम्स टू गेमिंग, बिकॉज सबसे बड़ी बात इसकी बताता हूँ, उसमें A13 बायोनिक चिपसेट है। अब आप बोलोगे वो तो आईफोन 11 में भी है, बट आईफोन 11 में जो डिस्प्ले है वो 6.1 इंच का है, जिसके वजह से ना उसमें थोड़ा ज़्यादा पिक्सल्स है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊँ तो आईफोन 11 का जो डिस्प्ले है उसका साइज़ है 6.1 इंच, उसका जो मतलब क्या बोलते हैं, उसका जो रेजोल्यूशन है 828x1792 है। तो अगर मैं सीरी को पूछता हूँ, So 828x1792, it's 14,83,776. Okay, so it's 14,83,000, याद रखना। अभी मैं अगर अपना इसका देखता हूँ iPhone SE का, तो iPhone SE में 4.7 इंच की डिस्प्ले है जिसका रेजोल्यूशन है 750x1334। सो सेम पूछते हैं हम लोग, सो 750x1334, the answer is 10,500. सो 10,500, मतलब सोचो लगभग 4.5 लाख पिक्सल ज़्यादा पुश करने पड़ते सिर्फ आईफोन 11 पे शिफ्ट करने थे, भले उसका रेजोल्यूशन कम है। तो और अगर प्रो पे जाओगे तो और ज़्यादा पिक्सल पुश करना पड़ता है, 4 लाख पिक्सल कम इसको, मतलब ये प्रोसेसर को 4 लाख पिक्सल का पावर कम पुश करना पड़ता है ये वाले डिस्प्ले में, मतलब आईफोन SE की डिस्प्ले में। तो डेफिनेटली ये सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग फ़ोन होने वाला है। सो या गाइस, देख लो किस तरह से हमें पबजी का परफॉर्मेंस मिलता है। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, ये है आईफोन SE 2020 रेड कलर में। एंटूटू बेंचमार्क भी रन किया है, थोड़ा सा मुझे एक इसका बेंचमार्क जानना था कि एंटूटू बेंचमार्क में कितना ज़्यादा स्कोर करता है ये। सो ये देखो 4,25,000 इसका स्कोर आता है एंटूटू बेंचमार्क में, विच इज़ वेरी गुड एक्चुअली। सो ये स्नैपड्रैगन 865 के इक्विवेलेंट का परफॉर्मेंस हमें दे सकता है, ऐसा मेरा मानना है, बिकॉज ऐसा मार्केट में है। बट जैसे गाइस आप लोगों को पता है, इसमें सिर्फ 720p की डिस्प्ले है, वो भी 4.7 इंच, तो बहुत कम पिक्सल ये प्रोसेसर को पुश करना पड़ेगा, मतलब और भी अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। सो दैट्स वेरी नाइस। सो अभी हम लोग है ना ये पबजी खेलेंगे, बट उससे पहले मैं बता दूँ कि आईफोन जो है ये वाला, ये कम्प्लीटली अपडेट है, तो कोई भी अपडेट वगैरह नहीं है। तो ये देखो completely on iOS 13.5, so here we go, PUBG is completely updated, so no worries। अभी हम लोग सब कुछ kill कर देते background में से, और हम लोग ये PUBG ना खेलते हैं और देखते हैं किस तरह से PUBG चलता है guys। Okay guys, so जैसे कि आप लोग देख रहे हो हमें HDR पे भी extreme की setting मिलती है। So सोचो मतलब ये छोटा सा फ़ोन में HDR पे extreme की setting मिलती है, but guys remember this smartphone cost 42,000 rupees, so of course हमें मिलेगी। अभी ना हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लासिक से, एक मैच हम लोग क्लासिक का खेलेंगे, उसके बाद हम लोग ये भी ट्राई करेंगे जो अपना TDM मैच होता है। सो या आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा। तो सो लेट्स स्टार्ट द क्लासिक, यू नो इरंगल मैच। गाइस बाय द वे, इसमें स्टीरियो स्पीकर है, तो यहाँ से भी आवाज़ आता है, यहाँ से भी आवाज़ आता है। बट एक चीज़ है गाइस, देख रहे हो कितना छोटा है। अभी यूजुअली हमारी क्या आदत होती है, बहुत बड़े बड़े फ़ोन में पबजी खेलने की आदत होती है, तो अभी इसमें डायरेक्टली जाएंगे ना तो बहुत छोटा हो जाता है। ये इन्फिनिक्स का फ़ोन है पहले, बट देखो उसका साइज़ देखो और इसका साइज़ देखो, कितना ज़्यादा फर्क है, वो फ़ोन के अंदर फिट हो जाता है, स्टिल उसका डिस्प्ले बड़ा हुआ है, और उसके बाद भी इसमें इतना सारा चीन है, देखो एक्स्ट्रा जगह है। सो फ़ोन का डिस्प्ले बहुत छोटा है, और इस चीज़ में थोड़ा सा इशू होगा। अगर आप लोग आईफोन 6 या 7 या 8 चला रहे हो ना, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला, ये चीज़ याद रखो। बाय द वे गाइस, ये पूरी एल्यूमिनियम बॉडी है जो साइड में आप लोग देख रहे हो, ये कम्प्लीटली एल्यूमिनियम है, और पीछे का ग्लास है। तो एल्यूमिनियम और ग्लास बहुत ही ज़्यादा हीट को कंडक्ट करते हैं, तो एज कम्पेयर टू प्लास्टिक फ़ोन ये बहुत ज़्यादा हीट को दिखाएगा, सो यू शुड रिमेंबर दैट। फॉर नाउ क्रॉसबो इज गुड, ठीक है काम चल जाता है। भाई लोगों को गन भी मिल रही है,
तो एक चीज़ है गाइस, इसका स्पीकर इतना अच्छा है कि मतलब मेरे को डेफिनेटली ऐसा मालूम पड़ता है कि किस साइड से गोली चल गई। स्टीरियो इफेक्ट बहुत ज़्यादा काम करता है, समझ में आता है कि किस साइड से गोली चल गई। और क्या दिखता है यार, HDR में बहुत भारी दिखता है, लेकिन बहुत छोटा है यार स्क्रीन। फर्स्ट एवर किल, क्या चल रहा है यार, बहुत स्मूथ चल रहा है। बट मेरा हाथ छिटक रहा है, इसका ओलियोफोबिक कोटिंग अच्छा है लेकिन थोड़ा सा ना हाथ छिटक रहा है, ऐसा लग रहा है कि मतलब पसीने से शायद। ओके, फ़ोन तो काफ़ी मतलब गर्म होने लगा है, ऐसा हाथ में फील होने लगा है। एक तो बिना कवर के मैं खेल भी रहा हूँ, मतलब यूजुअली इंसान क्या कवर ओवर लगा लेता है तो इतना ज़्यादा हाथ में फील नहीं होता है बिकॉज ऑफ द प्लास्टिक। देखो ये कवर है मेरे पास, बट मैंने कवर निकाल के मैं खेलता हूँ यूजुअली, मेरा जब भी मेरे को टेस्ट करना रहता है, तो उससे क्या एक्चुअल में फील आता है ना कितना गर्म हो रहा है कितना नहीं। और बाय द वे, जब मैंने गेम प्ले स्टार्ट किया था मैंने बताना भूल गया, फ़ोन 100% पे था। एक बात बोलना चाहूंगा मैं कि फोन काफी ज्यादा गर्म हो गया, स्पेशली ये पार्ट पे, कैमरे के पार्ट पे ना। और ये वाला मेटल तो कुछ ज्यादा ही मतलब चटका लग रहा है, कंटिन्यू पकड़ के रखो तो। ए भाई, दो नंबर किधर है तू, मेरे को रिवाइव करना। वो बंदा आ रहा है, देखा उसके उसके फुटस्टेप आ रहे। ओ शिट, ग्रेनेड दिया उसने। ये मेटल है तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि अभी बहुत ज्यादा गर्म फील हो रहा है, स्पेशली मतलब अभी मैंने लास्ट जो 3-4 महीने में जितने भी स्मार्टफोन को टेस्ट किया है सबका जो फ्रेम है वो प्लास्टिक का रहता था, तो फ्रेम इतना ज्यादा गर्म नहीं होता था। बट उनके कंपेरिजन में इसका फ्रेम बहुत ज्यादा गर्म हुआ है और बहुत ज्यादा फील भी हो रहा है। सो या ये चीज याद रखो, मतलब फ्रेम है मेटल का तो डेफिनेटली हीट होगा, तो आई वुड सजेस्ट यू टू यूज द कवर, दैट विल बी बेटर। सो या ये चीज याद रखो गाइस। ओके भाई, लोग मैच स्टार्ट करके मारने भी लगे, हद है। अबे 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 अबे, मार दिया मार दिया। वो बम फेंक के मारा, कैसे मारा मेरे को। वेल, बहुत सही है, लेकिन थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा होता ना तो मजा आता यार, लेकिन चलता तो बहुत जबरदस्त तरीके से। देख रहे हो काम मस्त चल रहा है। ओके सो वी वन, हम लोग जीत गए गाइस, और MVP भी मैं ही हूँ, सो दैट्स ग्रेट। 16 किल, कूल। सो एज ऑफ नाउ परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था। मैं ऐसा बोलना चाहूँगा कि हाँ, 42,000 रुपीज़ अगर खाली पबजी के लिए है, आप लोग पहले से पबजी खेलते हो, मतलब ऐसा iPhone 7 या iPhone 6 है या iPhone 8 है आपके पास, देन दिस इज़ अ वेरी गुड फोन फॉर यू गाइस, क्योंकि सीरियसली बहुत अच्छा चलता है पबजी इसमें। उससे तो डेफिनेटली iPhone 6, 7 से तो बहुत अच्छा अपग्रेड होने वाला है। बट हाँ, गर्म होता है, ये बात याद रखो। अब पाउडर लगाने से फायदा ही होगा कि बहुत स्मूथ चलेगा स्क्रीन, समझ रहे हो। हाँ देखो एकदम मर जा पे।
ओके ससुर का नाम थी, मार दिया मेरे को, कोई तो मार देगा मेरे को, लास्ट का बंदा मारने का यार। ओके मर गया वो। ओके गाइस सो फाइनली गेम खत्म हो गया, हमारा टोटल 12 किल, सो इस बार भी जीत गए। और अभी मैं फिलहाल ये बंद करता हूँ, फिलहाल देखो टाइम जो है वो हो रहा है 5:38 जैसे कि आप लोग देख रहे हो, एंड बैटरी लाइफ बची है 78%। सो या गाइस ये था कुछ पबजी का मैच। इसमें अभी मैं एक बात क्लियर बोलना चाहता हूँ कि पबजी बहुत ज़्यादा अच्छा चलता है इसमें, नो फ्रेम ड्रॉप, नो लैग, नथिंग, वो भी HDR एक्सट्रीम में। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब नो सेटिंग कम कर दो फिर चलाओ, नहीं, बिल्कुल एकदम हाई सेटिंग में, लेकिन लैग नहीं होता है, ये चीज़ याद रखो। बट प्रॉब्लम इज थोड़ा हीट होता, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा हीट होता, अभी भी गर्म है फ़ोन, काफ़ी गर्म है। अगर बस टेम्परेचर गन होती ना तो आई फील कम से कम 42-43 डिग्री सेल्सियस आराम से आता, इतना तो मेरे को लगता है ऐसा पर्सनली। या ये था मेरा PUBG का एक्सपीरियंस गाइज इस फ़ोन में। आई फील दैट दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड फोन फॉर PUBG, सो या यू कैन डेफिनेटली गो विद इट इफ़ यू हैव द बजट एंड इफ़ यू वॉन्ट टू अपग्रेड फ्रॉम iPhone 7 और iPhone 8, देन दिस इज़ अ गुड डिवाइस फॉर यू। सो गाइज ये था PUBG का गेम प्ले रिव्यू ऑफ दिस iPhone SE 2020, और मैं बोलना चाहूँगा कि डेफिनेटली ये वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है व्हेन इट कम्स टू PUBG गेम प्ले। अगर आपके पास फ़ोन है ऐसा जिसमें आप PUBG खेलते हो, फॉर एग्जांपल आपके पास फ़ोन है iPhone 8 हो गया या 7 हो गया या फिर 6 हो गया, तो आपको डिस्प्ले का दिक्कत नहीं होगा। मुझे पर्सनली मुझे इतना अच्छा नहीं लगा इसको खेलने में स्पेशली, क्योंकि डिस्प्ले बहुत छोटा, 4.7 इंच फॉर माय पर्सनल लाइकिंग इज़ वेरी वेरी स्मॉल, बिकॉज गाइस हम लोग के पास अभी जो फ़ोन है उसमें 6.5 इंच की डिस्प्ले जाती, फिर 4.7 इंच पे जाना इट्स लाइक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। बट गाइस जब थोड़ा हाथ बैठता है उसके बाद खेलने में बहुत मज़ा आता है और बहुत स्मूथ चलता है, HDR एंड एक्सट्रीम पे भी बहुत ज़्यादा स्मूथ चलता है, लेकिन गर्म भी बहुत होता है, तो ये बात याद रखना। गाइस ये कुछ था मेरा एक्सपीरियंस, मैंने कुछ इतना देर मैंने PUBG का गेम प्ले कंटिन्यूसली किया है और उसके बाद इतनी बैटरी लॉस हुई है, सो मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा, बैटरी तो ज़्यादा डेफिनेटली उतरती है। बट गाइस मैं डेफिनेटली ये बोलना चाहूँगा कि बहुत सही है गेम प्ले के लिए, PUBG गेम प्ले के लिए फ़ोन बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा बैटरी चलेगी नहीं। अगर आपको ये जानना है कि कंटिन्यूसली अगर हम लोग PUBG खेलेंगे तो कितना देर बैटरी चलती है, तो अगर आप बोलते हो तो मैं इसके अंदर PUBG का बैटरी ड्रेन टेस्ट भी लेके आऊँगा। अगर आपको चाहिए तो मुझे बताओ, मैं कंटिन्यूसली जब तक के बैटरी को 100% चार्ज करेंगे पहले, फिर उसको 0 तक के लेके आएंगे, सो हमें ये भी मालूम पड़ेगा कि कितने देर में कंप्लीट बैटरी डाउन होती है अगर PUBG खेलेंगे तो। सो या दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइज, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल थी। गाइज अगर ये वीडियो हेल्पफुल थी तो लाइक दबा दो, शेयर भी कर दो, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी मालूम पड़े आईफोन SE की औकात क्या है जो 2020 वाला मॉडल है। अगर मेरा चैनल पसंद आता है, मेरा कंटेंट पसंद आता है, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के आइकन को दबा दो, ताकि फ्यूचर में इसी तरीके की अमेजिंग क्वालिटी की टेक वीडियोस आप लोगों को मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, बाय।